আমার গুয়াহাটির নালা চাওক আর ইয়ারে নালা চাওক এতে গা ধুব পারিব নালাতে গা ধুব পারিব এইটো নালা গাড়ি মে अगर আ রহে হো অর কহি পে আপকো রুকনা হে অর ফটো লেনা হে তো এক বহুত আচ্ছা টেকনিক হে মানে মে ওয়াইফ কো বোলা কি মুঝে নিন্দ আ রহা হে মেরে সাথ বাত করতে রহো তাকি মে জাগা রহু ও মুঝে মেরে সাথ বাত করতে করতে সো গিয়া প্ল্যান ভি নেই থা তো হামনে স্পট বুকিং কিয়া লেকিন ফির ভি হামনে জব হিসাব লাগায়া তো হামনে দেখা হে শিলিগুড়ি সে আবি তক হাম লোগ নে अराउंड সো হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ওয়ান এন্ড একমাত্র চ্যানেল সুরুজ ব্লগস ফ্রম লাচেন ये जो व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग रहने वाला है क्योंकि आपको इस व्लॉग में पहले तो नज़ारा देख लीजिए मेरे रूम से। ये कोई होटल नहीं है, ये हम लोग यहाँ का मतलब लाचेंग का जो मेन जो सरपंच या फिर वैसा उनका घर है, ये उनका एक फार्म हाउस जैसा है जहाँ पे हमको रहने के लिए दिया है। अभी जो ये व्लॉग है ये व्लॉग हम बनाएगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्योंकि इस व्लॉग से आपको पता चलेगा कि कितने कम पैसों में या फिर आपको अगर गुरुदम्बा लेक आना चाहते हो तो मतलब कैसे आ सकते हो, कहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, कितना पैसा आपको जाएगा उसमें और कहाँ कहाँ रुकने से आपको अच्छा व्यू मिलेगा, कौन सा सीज़न में आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाला है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप गुरुदम्बा लेक अगर आ रहे हो तो कौन से रास्ते से आए आप। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर से आ रहे हो तो आप सेवो को के आइए, तब आपको 30 किलोमीटर कम पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, वेस्ट बंगाल या फिर बिहार या फिर दिल्ली या फिर बेंगलोर, तो आप सिलीगुड़ी में आइए, सिलीगुड़ी में स्टे करके या फिर डायरेक्ट आप गैंगटॉक में आ सकते हो विया सिलीगुड़ी। गैंगटॉक से यहाँ तक आने के लिए, गुरुदम्बार तक आने के लिए आपको दो रास्ता है। एक है आप लाचुंग होके आ सकते हो, गुरुदम्बार से मगन से लाचुंग होके आ सकते हो, और दूसरा है आप आ सकते हो लाचेंग से। लाचेंग मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लाचेंग होके आइए क्योंकि लाचेंग से गुरुदम्बार मतलब एक बहुत आसान सा रास्ता है। आसान मतलब इस गुरुदम्बार तक जो रास्ता है, ये जो रास्ता आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये गुरुदम्बार जाने का रास्ता है, गुरुदम्बार लेक जाने का रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा आसान रास्ता है। मोटा मोटी यहाँ से 70-80 किलोमीटर होगा गुरुदम्बार लेक लाचेन से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात को जो आपको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर होटल बुक करके आइए। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो किसी को भी, किसी लोकल को भी यहाँ पे कांटेक्ट करिए, 2-3 लोकल का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उनसे बात करिए और होटल बुक करके रखिए क्योंकि यहाँ पे होटल मिलना बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे उसके बाद आपको होटल मिलेगा, इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है यहाँ पे होटल मिलना क्योंकि हम जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम का चार्ज 7500 हम लोगों ने पहली दिन दिया क्योंकि हम 9 बजे हम यहाँ पे पहुँचे और होटल एक रूम भी खाली नहीं था, इसीलिए हम लोग ने ज़्यादा पैसा दिया। और नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे स्टे करने के लिए रुके, लोकल से बात किया, 1500 में 2 रूम का हम लोग ने चार्ज दिया, 2 रूम हम लोग को मिल गया। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो एक सिर्फ आप होटल का बुक करिए, खाने का बुक मत करिएगा क्योंकि अगर खाने का बुक करेंगे तो आपको मोटा मोटी 1000-1500 रुपये पर पर्सन आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर होटल के साथ खाने का बुक करते हो तो 1500-1000 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो सिर्फ होटल का बुक करके आइए, खाना का यहाँ पे प्रबंध हर एक होटल में जाइए, आप बोलिए कि हमको खाना खाना है, ये लोग आपको बना के आराम से खिला के दे देगा, ठीक है। आइए सर, हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम हुआ है मोटा मोटी 11 बजे है और हमारे साथ आपको पता ही होगा कौन कौन है, अभिषेक दा है, इनका सुमन दा है, सुकांत दा है और अभिषेक दा का वाइफ पल्लवी जी है हमारे साथ। हम लोग इस रूम पे रहते हैं, ये होटल नहीं है, ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस भी नहीं बोल सकते, ये रेस्ट रूम करके है। अगर होटल में यहाँ का जो मालिक है उनका एक होटल है यहाँ पे, अगर उस होटल में ज़्यादा आदमी हो गया तो यहाँ पे लोग आके रुक जाता है, ठीक है। तो पहला बात सर अभिषेक दा, हम इनके साथ बात कर रहे थे कि
गुरुदुम्बर आने का जो रास्ता है और कितना सस्ता गिरेगा गुरुदुम्बर आने का टाइम, मतलब कैसे आना चाहिए, ये हम लोग बात कर रहे थे। आपको दो तीन पॉइंट ऐड करना है क्या इसमें? हाँ, यहाँ पे ज़्यादातर होम स्टे है। हाँ, जैसे अभी सीज़न है तो सीज़न में थोड़ा महंगा है। अगर आप सीज़न छोड़ के किसी और टाइम आते हो तो यहाँ पर बंदे आपको 700 रूम रेंट प्लस खाना आपको हो जाएगा। लेकिन मैं इनको ये रिकमेंड किया कि आप सिर्फ होटल का बुक करिए, खाने का यहाँ पे बाहर में आराम से मिल जाएगा, या नहीं तो आप अगर सीजन में आते हैं। हाँ, आप अगर सीजन में आते हैं तो फिर आप एक ऐसा कीजिए, होटल बुक कीजिए, खाना आप बाहर खाइए, फिर आपको वो सस्ता होगा। अगर नॉन सीजन में आते हैं तो फिर आप 700 रुपीस में आपको इससे सस्ता और क्या चाहिए, खाना रहना दोनों हो जाता है आराम से, एक आदमी का, एक आदमी, एक आदमी। और फिर आप अगर बाइक में आप लोग आएंगे तो देखिए, ट्रिप का खर्चा हम लोग का अभी तक इतना एक्सपेंसिव सीजन में आया। हाँ, विदाउट प्लान था, प्लान भी नहीं था, तो हमने स्पॉट बुकिंग किया, लेकिन फिर भी हम लोग जब हिसाब लगाया तो हमने देखा है सिलीगुड़ी से अभी तक हम लोग ने अराउंड 8000 खर्चा आया पर आदमी का, सिलीगुड़ी पर हेड सिलीगुड़ी से। ये नॉन सीजन में आप लोग आओगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 15,000-20,000 रुपये खर्च, मतलब वो नहीं, वो सोचिए ही मत, 10,000 के अंदर आराम से आप आ सकते हो। और बाइक का कितना किलोमीटर हो अभी तक हम लोगों ने सिलीगुड़ी से ट्रेवल किया है बाइक? हाँ, में सिलीगुड़ी से यहाँ तक हम लोग का अराउंड 1000 किलोमीटर हो गया। हाँ, अराउंड जी, तो 1000 किलोमीटर हुआ, क्योंकि हम लोग गए वहाँ पे, क्या हम लोग नामची गए लावांगला गए। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग घूमा, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर हो गया। और अभी हम लोग लाचेंग की गलियों में घूम रहे हैं, और ये एक वीडियो होगा, अनकट वीडियो, रॉ वीडियो कम्प्लीटली, कोई भी कुछ भी आपको सिनेमेटिक नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉग है आप लोग के लिए, कोई भी इंडिया से देख रहे हैं आप, तो आप काइंडली ये ब्लॉग को शेयर करिए सबके साथ, क्योंकि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा आगे खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए, देखते हैं कि ब्रेकफास्ट मिलता है कि नहीं। और लाचेंग का गली देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है। हाँ, सीज़न जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सीज़न कौन सा सीज़न में आना चाहिए आपको, जहाँ पे आपको बर्फ मिलेगा बाइक? हाँ, में आपको अगर बर्फ चाहिए तो नवंबर दिसंबर नहीं, हाँ नहीं, नवंबर भी मिलेगा, नवंबर दिसंबर, जैन फरवरी मार्च, अप्रैल भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन ये इन टाइप आपको बर्फ मिलेगा। लेकिन दिसंबर में अगर आप आते हो तो आप कुछ जगह विजिट नहीं कर पाओगे दिसंबर जनवरी। गुरुदुम्बर शायद नहीं, गुरुदुम्बर लेक जाने का आपको नवंबर में, दिसंबर जनवरी में सोचिए ही मत गुरुदुम्बर, क्योंकि इतना आसान नहीं है रास्ता, और बाइक लेके तो एकदम ही अच्छा, इम्पॉसिबल है। बाइक लेके आने का टाइम यही है अक्टूबर, और ज़्यादा आप बाइक लेके वो बारिश के सीजन में मत आइए, मत आइए, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है उतना आसान नहीं है। और दो जन बिठा के मत आइए, सिंगल आइए। बाइक में अगर आ रहे हो तो सिंगल एक आदमी बाइक में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है। हम लोग गया 17,900 ऊपर फीट ऊपर, तो रास्ता भी नहीं है, रास्ता नहीं है। लद्दाख इससे भी ऊपर है, लेकिन लद्दाख में अच्छे रास्ते हैं मिलते हैं आपको, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर एडवेंचर मिलेगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन लद्दाख से फीलिंग्स जरूर मिलेगा, लेकिन लद्दाख का फीलिंग आपको जरूर मिलेगा। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुरुदुम्बर आप 11 बजे से बाद आप एंट्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ का जो लास्ट चेक पॉइंट है, यहाँ से दो चेक पॉइंट है गुरुदुम्बर तक, दो चेक पॉइंट है जहाँ पे आपको थप्पा लगाना पड़ेगा, स्टाम्प लगाना पड़ेगा, वो आप याद में लगा लीजिए स्टाम्प, क्योंकि अगर आप मिस कर दिए तो आपको वापस 20-30 किलोमीटर आना पड़ेगा स्टाम्प लगाने के लिए। यहाँ से मोटामोटी 20-30 किलोमीटर बाद आपको चेक पॉइंट मिलेगा, उसमें स्टाम्प लगाइएगा आपका परमिट में, और यहाँ का ये स्टाम्प लगाने के बाद गुरुदुम्बर में आपको और एक चेक पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर भी आप स्टाम्प लगा लीजिए। ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं इस होटल में, होटल का नाम क्या है आपको मिलेगा, होटल का नाम दिखा देता है, ठीक है? अगरवाल गुड्डू होटल, मोबाइल नंबर यहाँ पे है। ये जो रेस्टोरेंट है ना,
ठीक है। এখানে ম্যাগি পাওয়া যাবে, ম্যাগি খা খা কে পক গে হামলোগ, ইয়াহা পে ইতনে দিনো সে সিরফ ম্যাগি খা রহে হামলোগ। বহুত ইম্পর্টেন্ট বাত, গুরুদুম্বর তক আপকো দো তিন জগা পে হি জো খানে কো মিলেগা, গুরুদুম্বর পে তো মিলেগা হি নাহি, তো খা কে যাইয়ে ভাই ইয়া ফির খান খানা লেকে যাইয়ে। আর ইয়ে হো গিয়া হামলোগ কা ইয়াহা পে বার এন্ড রেস্টুরেন্ট, ইয়াহা পে ইনগ্রিডিয়েন্ট বার কে নাম হে, ইনগ্রিডিয়েন্ট আর नंबर यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, कोई भी आ रहा है तो फ़ोन करिएगा या फिर आइए। एक्सक्यूज मी, तो खाने को कुछ मिलेगा ब्रेकफास्ट पांच आदमी के लिए? बुला दीजिए तो थुप्पा वगैरह नहीं मिलेगा। ओके थुप्पा ही खा लेता है। थुप्पा क्या है? नूडल्स, मतलब बेबी नूडल्स टाइप का होता है। पच्चीस दिन में पैसा डबल। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको जानना चाहिए, गुरुदुम्बर में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको ऑक्सीजन कैन लेके जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, कपूर 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 कपूर, और खाने 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 के लिए हाँ, चॉकलेट चॉकलेट पॉकेट जितना हो सके कैरी करिए, क्योंकि यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कमी होगा और माथा दर्द करेगा। तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, माथा दर्द करेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा और नींद आना शुरू हो, बाइक चला, अगर बाइक बाइक से आ रहे हो तो बाइक चलाते चलाते आपको नींद आ जाएगा। हमारा वैसा हुआ और इनका भी, आपका कैसा हुआ? एकदम सेम, बाइक चलाते दो घंटा पहले सो के उठा हमने, जस्ट दो घंटा बाद हमें नींद आ रहा है, बाइक चला रहा हूँ नींद आ रहा है, और थोड़ा के लिए एक्सीडेंट से बच गया। मैंने मेरे वाइफ को बोला कि मुझे नींद आ रहा है, मेरे साथ बात करते रहो ताकि मैं जगा रहूँ, वो मुझे मेरे साथ बात करते करते सो गया, बाइक से गिर जाता है। ऐसा नींद आता है कि ऑक्सीजन के लिए आपका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, आपका ब्रेन शट डाउन हो जाता है, इसीलिए आपको नींद आ जाता है। तो धीरे धीरे चलाइए बाइक, और बाइक चलाते चलाते रुक रुक के चलाइए, क्योंकि वो सेफ रहेगा आपके लिए। या फिर गाड़ी में आ रहे हो तो मोशन सिकनेस तो होने ही वाला है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। खाने के लिए जो होटल है, ये होटल में ये आपको नंबर फिर से दिखाई दे रहा है, अगर आ रहे हो यहाँ पे तो खाने के लिए यहाँ पे प्रबंध आपको मिलेगा। थोड़ा प्राइस वगैरह भी इस रीजनेबल है, हमारे वहाँ पे भी ठुप्पा 150 रुपये में मिलता है, यहाँ पे भी 150 रुपये में। वाह क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है। लेकिन हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से 12 बजे, तो 12 बजने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी खा के। और देखिए जब वीडियो बनाता रहता है तो ऐसा बहुत लोग होता है जो डिस्टर्ब करता रहता है बोल बोल के। तो ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया, ब्रेकफास्ट की जगह, मतलब ब्रेकफास्ट की जगह लंच थुप्पा खाया हमने, और क्या खाया, फ्राइड राइस खाया, चिकन मंचूरियन खाया और कॉफ़ी भी पिया। कॉफ़ी पिया, तो कितना हमारा बिल आया मोटा मोटी? टोटल बिल आया 1250। बारह पाँच आदमी का 1250 रुपया आया बिल। अगर आपको सूरज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली आप लोग सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इतना इन्फॉर्मेटिव लगा कि आप भी ये जगह पे आइए और घूमिए, एंजॉय करिए अपने अपने, मतलब क्या सीज़न बोलूँ, गर्मियों को, गर्मियों का सीज़न को आप अगर ठंडी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आइए, एंजॉय करिए अपना लाइफ और शेयर करिए सभी के साथ जो भी यहाँ पे आना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, घूमना चाहता है, फिरना चाहता है। तो ये है लाचेन, बाय बाय। गाड़ी में अगर आ रहे हो और कहीं पे आपको रुकना है और फोटो लेना है तो एक बहुत अच्छा टेक्निक है, आप एक काम करिए, आप बोलिएगा कि आपको भूमि लगा है, आप उतर जाइए और फोटो ले लीजिए। ये एक टिप है मेरी तरफ से।